5G का तूफान बहुत ही जल्द आने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 5G के बारे में कि 5G कब लॉन्च होगा, सबसे पहले कहां लॉन्च की जाएगी, रिलीज डेट क्या होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सबसे फास्ट इंटरनेट यानी सबसे तेज इंटरनेट कौन सी कंपनी प्रोवाइड करेगी और ऐसे में हमें किस कंपनी का सिम कार्ड यूज करना चाहिए, तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों आज का टॉपिक है 5G के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही 5G से रिलेटेड या नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ पाएं और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आप घंटी नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन अब तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए घंटी को जरूर दबाएं। खैर हम मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में ऑक्शन हुआ है जिसमें जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, उन्होंने पैसे लगाए हैं, बिडिंग में पैसे लगाए हैं लाइक जियो, एयरटेल, VI। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि अदानी ग्रुप्स ने भी पैसे लगाए हैं 100 करोड़ रुपए। लेकिन जो भी कंपनीज है, जो भी टेलीकॉम कंपनीज है, उन सभी में से सबसे ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करने वाली एक ही कंपनी है, वो है जियो। जियो ने 14,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए, बिडिंग में पैसे लगाए हैं। दोस्तों ये जो ऑक्शन हो रहा है वो 72 GHz स्पेक्ट्रम के लिए हो रहा है जो कि इसकी कीमत 4.3 लाख करोड़ रुपीज है। सो जियो ने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किया है 14,000 करोड़ रुपीज जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। और उसके बाद नंबर आता है एयरटेल का, उन्होंने डिपॉजिट किए हैं 5,500 करोड़ रुपीज। एंड थर्ड में नंबर आता है VI का यानी वोडाफोन आइडिया का 2,200 करोड़ रुपीज। और सबसे लास्ट, सबसे आखिर में नंबर आता है अडानी ग्रुप्स का, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 100 करोड़ रुपीज। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जैसे जियो ने तहलका मचाया था वैसे अडानी ग्रुप्स भी तहलका मचाएगा, अडानी के सिम निकलेंगे, हम लोग फ्री में इंटरनेट यूज करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, अडानी ग्रुप्स का कोई सिम नहीं आने वाला है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ऐसा बिजनेस पर्पस के लिए किया है, उनका जो भी बिजनेस है तो उन्होंने प्राइवेट नेटवर्क के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। फिर आप कहेंगे बात तो वही हो गई, खोदा पहाड़ और निकली चिहुया। खैर अडानी ग्रुप्स को हम इस रेस से बिल्कुल अलग करते हैं क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ रुपीज लगाए हैं, उन्होंने अपनी कंपनीज के लिए लगाए हैं, पूरे आवाम के लिए नहीं लगाए हैं। तो ये चीज़ भूल जाएं कि अडानी का कोई सिम आने वाला है। तो जो भी टेलीकॉम कंपनी है जैसे जियो, एयरटेल, VI, इन्होंने स्पेक्ट्रम खरीद लिए हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ प्लान्स के बारे में, 5G प्लान्स के बारे में कि भाई हमें कितने रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो आप रिचार्ज करा रहे हैं 4G का, उसमें आप 10-12% और ऐड कर दीजिए तो वो 5G का स्टार्टिंग प्लान होगा। मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि 5G जो है वो आपको फ्री में मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री। आपको याद होगा कि जब 4G लॉन्च हुआ था जियो का तो स्टार्टिंग में कई महीनों तक फ्री में दिया था, सब लोग धड़ल्ले से इंटरनेट यूज़ कर रहे थे, खूब मज़े से इंटरनेट यूज़ कर रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि वही जियो कंपनी फिर से वही नीति अपनाए कि 5G जो है वो 5G के सिम मिल रहे हैं फ्री में, आप फ्री में ले लो, फ्री में ले लो, तो सब लोग फ्री में लेकर इंटरनेट यूज़ करेंगे, फिर बाद में धीरे 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 करके चार्ज करना शुरू कर दें और जितना वो अमाउंट चार्ज करना चाहते हैं 5G प्लान्स का, फिर वो उतने अमाउंट तक ले जाएं और पूरे आवाम से उतने पैसे चार्ज करने लग जाएं। भाई मैं तो यही कहूंगा कि 5G सिम जो है अगर आपको फ्री में मिलता है तो जितनी जल्दी हो सके वो सिम आप खरीद लें और इंटरनेट का लुत्फ उठाएं, खूब मज़े से इंटरनेट यूज़ करें। क्या पता फिर ऐसा मौका दोबारा आए ना आए, ये ज़िंदगी मिले ना मिले। तो दोस्तों कोशिश यही होनी चाहिए कि सिम जैसे ही फ्री में मिले तो सबसे पहले जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप फ्री में लेने की कोशिश करें और इंटरनेट का खूब मज़ा उठाएं और इसी के साथ साथ कुछ सीखें भी। सिर्फ इंजॉयमेंट काफ़ी नहीं है मेरे भाई, सीखना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो भोपाल सिटी में स्टेशन पर, बस स्टॉप पर और ट्रैफिक लाइट ऐसी जगहों पर 5G का टेस्टिंग हो रहा है। ये सबसे पहली सिटी बनी है पूरे भारत के अंदर जहां पर 5G का फुल पायलट टेस्ट हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई ट्रैफिक लाइट पे 5G का क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि 5G का मतलब ही यही होता है कि IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को रियलिटी में तब्दील करना। जितने भी एड्स चलते हैं और बैनर्स, एड्स जो डिजिटल होते हैं, बिलबोर्ड और ट्रैफिक लाइट, इन सब सारी चीज़ों को
इंटरनेट से ऑपरेट करना, मतलब 5G जो है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। और साथ ही दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु, गुजरात, इन सब जगहों पे 5G का फुल्ली टेस्ट किया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई 5G आएगा कब? तो मैं आपको बता दूं कि 5G जो है वो दिसंबर के आसपास आ जाएगा, फिर आप 5G का लुत्फ उठा पाएंगे। लेकिन 5G जो है वो कुछ सेलेक्टिव सिटीज में लॉन्च किया जाएगा, जैसे दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे वगैरह में। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, यानी पूरे गांव तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगले साल के मिड में 5G की सर्विसेज आप ले पाएंगे। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि 5G जो है वो कहाँ लॉन्च होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली, कोलकाता, पुणे, इन सब जगहों पे सबसे पहले लॉन्च होगा। प्लान्स बता दिए कि आपका जो भी 4G प्लान्स है उसमें 10-12% और ऐड कर दीजिए, वो 5G का स्टार्टिंग प्लान होगा। और सबसे आखिरी सवाल कि भाई 5G जो है सभी टेलीकॉम कंपनी में सबसे ज़्यादा फास्ट किसका नेटवर्क रहने वाला है? तो मैं आपको बता दूं कि वो होगा जियो, क्योंकि जियो कंपनी ने स्पेक्ट्रम के लिए 14,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। अगर अभी भी 5G से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप 5G के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि भाई 5G से और क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताएं कि भाई 5G का ये चीज़ होने वाला है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अब तक पहुँच सके। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।